ईपीएफ पेंशन योजना, मिनिमम पेंशन 1000 करने को जा रहे हैं, ₹1000। नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन के मुद्दों की, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की जब भी बात आती है, तो 2014 के बाद में जिस भी बीजेपी नेता से यहां पर मुलाकात हुई, सदन में जब भी ये सवाल यहां पर उठा, तो बीजेपी की सांसदों और विधायकों, यहां तक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी खुद इस बात को यहां पर सदन के पटल पर रखा कि जब हमारी सरकार 2014 में आई तो हमने न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए करने का प्रावधान यहाँ पर किया। उससे पहले ईपीएस 95 पेंशन धारकों को यहाँ पर 1000 रुपए से कम पेंशन मिलती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कम से कम न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए यहाँ पर मिले, ये प्रावधान भी बीजेपी सरकार की ओर से नहीं लाया गया था, बल्कि ये प्रावधान भी कांग्रेस पार्टी की ओर से 2014 के पहले ही यहाँ पर लाया गया था। आइए जो है आज के इस वीडियो में यहाँ पर जो है मैं इसे प्रूव करके दिखाता हूँ। पहले मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सदन में दिया गया एक बयान दिखाना चाहता हूँ, जो कि फरवरी 2021 में यहाँ पर दिया गया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद इस बात को यहाँ पर कहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन का उनके पास कोई प्रस्ताव नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने पेंशन धारकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए कर। ईपीएफ पेंशन योजना, हमें मालूम है कभी ऐसे केसेस मेरे सामने आया जब 2014 के बाद में आया, किसी को पेंशन 7 रुपए मिल रही थी, किसी को 25 रुपए, किसी को 50 रुपए, किसी को 250 रुपए, ये देश में चलता था। मैंने कहा भाई इन लोगों को ऑटो रिक्शा में वो पेंशन लेने जाने का भी खर्चा उससे ज्यादा होता होगा। किसी ने मांग नहीं थी, किसी मजदूर संगठन ने मुझे आवेदन पत्र नहीं दिया था माननीय अध्यक्ष जी, उसमें से बाहर ला करके मिनिमम 1000 रुपीज देने का निर्णय हमने किया था, किसी ने मांगा नहीं। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण में आपने सुना कि बीजेपी सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद यहां पर इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने जो है न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए यहां पर बीजेपी सरकार ने की है। वहीं पर बीजेपी सरकार जब 2014 में आई तो 1 सितंबर 2014 से ईपीएफओ के कुछ रूल्स यहां पर बदले गए और तभी से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए यहां पर मिलने भी लगी। लेकिन अब मैं आपको यहां पर 15 जनवरी 2014 यानी कि जब बीजेपी सरकार सत्ता में नहीं आई थी और ईपीएफओ ईपीएस 95 पेंशन की योजना में संशोधन भी नहीं किया गया था, यानी कि चुनाव का माहौल था उस समय का एक वीडियो यहां पर बीजेपी के ही प्रकाश जावड़ेकर जी का दिखाना चाहता हूं, जो खुद इस बात को यहां पर बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए यहां पर करने जा रही है, जो कि बहुत कम है। सरकार हमेशा मजदूर विरोधी रही है, अब मजदूरों के साथ और एक छलावा करने जा रही है। आने वाले कैबिनेट के मीटिंग में जो ईपीएस एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 95 ये जो योजना है जिसे ईपीएफ पेंशन कहते हैं, ईपीएफ पेंशन या नाम एक्चुअली है एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 95 ईपीएस 95, इसमें मिनिमम पेंशन 1000 करने को जा रहे हैं, ₹1000 केवल। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि ये 1000 नहीं बल्कि 3000 रुपए मिनिमम पेंशन होना चाहिए। 1000 रुपए मिनिमम पेंशन करना ये मजदूरों के साथ धोखा होगा और एक टोकनिज्म होगा, चुनाव के पूर्व संध्या पर एक सौगात दिखा रहे हो। तो आपने यहाँ पर देखा कि बीजेपी की सभी नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस बात का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन में 1000 रुपए उन्होंने अपनी मर्जी से किए, उनके तक किसी भी श्रमिक संगठन की यहां पर डिमांड भी नहीं थी, इसके बाद भी उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्या को देखते हुए न्यूनतम पेंशन 1000 यहां पर की। वहीं पर आपने बीजेपी के ही प्रकाश जावड़ेकर जी का भी वीडियो देखा, जो कि 15 जनवरी 2014 का है, जबकि यहां पर चुनाव का माहौल था, उसी समय प्रकाश जावड़ेकर जी ने अपने वीडियो में कहा है कि कांग्रेस यहां पर जो है 1000 रुपए न्यूनतम पेंशन करने जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर ये मुद्दा सरकार में यहां पर था और सरकार चाहे 2014 में बीजेपी की बनती या कांग्रेस की, न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए यहां पर होना ही था। इसमें जो है बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद की कोई उपलब्धि यहां पर जो है नजर नहीं आती, लेकिन उसका पूरा क्रेडिट बीजेपी खुद यहां पर जो है लेती है।
आपके इस पर क्या विचार है हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो जानकारी ये अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।